तू हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है ना? Of course, मम्मी। तो ये शादी कर ले, तू जानता है यही एक तरीका है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता अब कुछ भी ठीक होगा, क्योंकि कल के बाद सब कुछ बदल गया है मम्मी। अब तक मेरे ऊपर ये असर सिर्फ अमावस की रात को होता था, लेकिन कल मैं पहली बार चांद रात को बदला हूं। सबसे पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए, जो कल हुआ वो क्यों हुआ। जवाब मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अमन के बहुत करीब आ चुका है। उसके लौट आने का सबूत हमें अमन के कमरे में मिलेगा। तो हम लोगों को अभी ढूंढना चाहिए। हाँ, चाचू। छोटू आ गया। छोटू आ गया। लेकिन ये छोटू कौन है? छोटू। बेबी तो भूल जाती है। छोटू आ गया। छोटू को साइमा और सारा लंदन लेने गई थी, याद है? हाँ, सारा साइमा। गेस, ये सारा साइमा कौन है? बेबी। अरे सारा साइमा तो अमन की बहन है, बेबी भी ना सब भूल जाती है। सारा और साइमा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं उन दोनों को बाहर जाके संभालता हूँ, आप लोग यहाँ पर वो निशानी ढूंढिए। I miss you too. आज टीम अकेली आई है? सारा सहमत है? जा पुला के ले। पापा जरा मदद करना। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। मम्मी, आँख है ना, रात अंधेरे से होती है, इसीलिए रात के आने से पहले अंधेरा आता है। जिन आँख से बनता है, इसीलिए उसके आने से पहले आग आती है। ये कोई मामूली आग नहीं, ये आतिशे जिन है। जिन हमसे एक कदम आगे चल रहा है, वो घर तक पहुंच चुका है और अब अमन को लेने के लिए घर के अंदर आने वाला है। जिनको घर के अंदर आने से रोकना है तो उसकी आतिश को बुझाना पड़ेगा, जल्दी।
का चांदनी हुई, बस एक ही दिन के लिए तो नहीं आई थी, वो भी उस काली गाड़ी वाले की वजह से। आपको पता है उसको ना गाड़ियां उड़ाने का शौक है। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी लाइफ ना एक सेकंड के लिए मेरी लाइफ ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था रोहित शेट्टी की कोई फिल्म बन गई है। हेयर देयर एवरीवेयर, गाड़ियां इधर से उड़ रही थी, उधर से उड़ रही थी, और फिर धन 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 करके गिरे भी जा रही थी। वैसे आपको एक बात बोलूं, एक टाइम था लखनऊ में जब सीमेंट की इतनी बड़ी बोरी भी नजाकत से गिरती थी, एकदम फूल की गलियों की तरह। और आजकल की गाड़ियों को देख लो, लखनऊ के कल्चर की कोई इज्जत ही नहीं है, एकदम ही भूल गए हैं। वैसे आपको एक और बात बोलनी थी, अगर आप बुरा ना मानो तो, आप ना कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो, इतना बोलते हो कि दूसरा बंदा अपनी बात ही भूल जाता है। पर क्या कर सकते हैं ना, 60 साल का खटारा स्कूटर चलाने वाले जो मोटू से बेकरी ओनर्स होते हैं ना, वो बड़बोले तो होते ही है। पर फिर भी एक रिक्वेस्ट आपसे, आप ना थोड़ा कम बोला करो, आप से ज्यादा बोलते हैं, चक्कर बहुत आ गए, जब चक्कर आते ना तो मेरी गलती नहीं होती। पर चाचा क्या हो गया? भाई मुझे आपकी बहुत याद आई। भाई मुझे ज्यादा याद आई। भाई मैंने आपको सबसे ज्यादा मिस किया। झूठी, तूने कब मिस किया? तूने पूरा टाइम बस कपड़े खरीद ली थी। पता है कितने छोटे कपड़े लाए ये? पहले मुझे लगा मिलने आए हैं। शट अप छोटू। भाई इसने तो बुक्स की तरफ देखा भी नहीं, पूरा टाइम ना ये सिर्फ बॉयज को देखा। ये भी इतना गोला है, वो भी इतना गोला है। चुप कर भाई के चमचे। भाई वैसे तो हम दोनों है ट्विन सिस्टर, लेकिन मुझे ना कॉलेज से पास आउट हुए हुए पूरे 2 साल हो गए और ये अभी तक वही की वही है। बहुत जल्दी हम एक ही क्लास में आ जाएंगे। सुन मेरे छोटू, भाई इवले नंबर दे ना नरेश परिषदी, पूरा एक बस न तोड़, कड़ने संभाले दो। देखो इसको स्ट्रेस होगी तो तमिल में शुरू हो जाएगी। अच्छी बात है ना भाई, अगर स्ट्रेस में होगी तो एटलीस्ट पास हो जाएगी। तू तो चुप कर ठीक है ना, पहले अपने डीसेंट कपड़े पहनना सीख। और तू ना पहले पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना। अरे रुको सुनो, तुम दोनों मेरी बात सुनो, तुम दोनों के कपड़े डीसेंट है या नहीं ये दुनिया नहीं तुम डिसाइड करोगे, और पढ़ाई में कौन अच्छा है या कौन बुरा इससे क्या फर्क पड़ता है, लाइफ में आगे बढ़ना है। तुम दोनों जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, तुम में से किसी की शादी नहीं होगी। हमारी शादी की टेंशन छोड़िए और अपनी शादी के बारे में बताइए। अरेंज मैरिजेस आज के जमाने में कौन करता है? Exactly भाई, आपको उसमें ऐसा क्या देखा? ये बोरिंग कपड़े पहनती है वो। उसके अंदर फैशन सेंस बिल्कुल नहीं है। एक क्वालिटी बताओ हम मान जाएंगे। वो कम बोलती है। चाचा, चाचा, आप ठीक तो है ना? बेटा इतना नुकसान होने के बाद भला कोई कैसा हो सकता है? बेटा तू कल आई नहीं, मेरी नान कढ़ाई की डिलीवरी नहीं, तुझे पता है मेरा कितना नुकसान हो गया? हाँ मुझे पता है, मैं 220 मिनट के लिए यहाँ पे नहीं थी और आपके यहाँ पे पूरे 4 ओवन है, और 55 मिनट में बनती है यहाँ पे 102 नान खटाई, और 220 मिनट में बनती है यहाँ पे पूरे 408 नान खटाई। इसका मतलब है हमारा नुकसान हुआ पूरा 5,990 रुपए और 18 पैसे का। वैसे ये मैथ्स भी कितनी ईजी है। चाचा, अम्मी आप तैयार नहीं हुई? ताबीजी ने संगमरमर दिया है ना, उसका पानी बना रही हूँ। अम्मी आप नीचे ना जाने के बहाने बना रही है, क्योंकि आज भी आप दुनिया के सामने जाने से कतराती है। दुनिया ने इतने ताने दिए हैं अमन कि अब दुनिया के सामने जाने से डर लगता है, लेकिन गलती तो मेरी है ना, ना मैं तेरे अब्बू को लखनऊ जाने देती, ना वो उस औरत से मिलते, और ना ही गलती ना आपकी है ना अब्बू की। अम्मी गलती उस गिरी हुई घटिया औरत की है जिसने हमारे अब्बू को हमसे छीन लिया। अम्मी बेशरम औरत जो जानती थी कि अबू शादीशुदा है, उनके 2 बच्चे हैं, फिर भी उनसे शादी करी, क्यों? किस दौलत के लिए? अम्मी आप अपने आप को दोष क्यों दे रही है? अम्मी आप उस औरत के बारे में सोच सोच के वक्त बर्बाद करना बंद कीजिए प्लीज। अरे वो औरत आपके पांव की धूल भी नहीं है। अम्मी अम्मी ये आंसू मेरे लिए मोती है, और घटिया लोगों पे मोती लौटाए नहीं जाते। अम्मी उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। बहुत कोशिश करती हूँ मैं अमर, बहुत कोशिश करती हूँ, पर लोगों के ताने भूलने नहीं देते। आपको कोई ताना देके तो दिखाए। अम्मी खड़ा है ना आपका मन जुनैद खान आपके और दुनिया के बीच में, जान से मार दूंगा मैं उसको। अम्मी
नहीं। भूल गई थी कि मेरा अमन बड़ा हो गया है। पहले तू मेरी उंगली पकड़ कर चलता था, आज आज मैं तेरा हाथ पकड़ कर चलूंगी। और अमन नजर नहीं आ रहे। वो लोग आ गए। कैसे हो ना? कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अभी आपकी तबीयत कैसी है? अरे इन्हें क्या हुआ? अच्छी खासी हट्टी कट्टी तो है। अरे गिर गई थी ना, बेहोश हो गई थी। बेबी तू भूल जाती है। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है बेटा। आप आइए ना, रस्म शुरू करते हैं। अमन अंगूठी उठाओ। अरे ऐसे क्या वेट कर रही हो, पहनाओ। अमन पहना। हाँ हाँ तबीजी, जैसा कि आपने कहा था हमने आग तो बुझा दी थी।